सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजो लक्ष्य क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई जो है खुशखबरी आप सब लोगों के लिए। अक्टूबर जो है आने वाला है, एक दिन बचा है सितंबर का, उसके बाद जो है अक्टूबर में आपके लिए कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी आ रही है, किस किस जो वैकेंसी की आपको तैयारी करनी है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और एकदम फैक्ट के साथ अपन बात करेंगे। बहुत ही शानदार खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, तो वीडियो आप पूरा देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी और ये जो आने वाली है वैकेंसीज, इन सभी की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आने वाली हर वैकेंसी की PDF पाने के लिए पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज जो है अपन वीडियो में बात करेंगे वो है अक्टूबर 2022 में आने वाली बड़ी भर्तियाँ। सबसे पहली भर्ती जो रहेगी वो रहेगी ESIC नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जिसमें 2800 प्लस पद रहने वाले हैं और वो वैकेंसी इसी मंथ आने की संभावना है। एम्स स्टाफ नर्स की बात करें तो आप सभी को बताएं, एम्स नॉर्सेट 2022 का प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आ चुकी है और मात्र 4000 पोस्टें अभी तक घोषित हो पाई है। एम्स बठिंडा हो चाहे एम्स जोधपुर हो, वहाँ से अभी तक कोई वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3200 और पोस्टें जो है नॉर्सेट के थ्रू इसमें निकलेगी। तो जो बंदे उस प्रोविजनल लिस्ट में है उनको बहुत ही शानदार ये खुशखबरी है कि 3200 और पोस्टें जो है एम्स क्रिएट करने वाला है। फिर बात करेंगे DSSSB 1400 पद की, तो DSSSB का जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी मंथ के जो है, जो अक्टूबर मंथ है उसके लास्ट में 100% आने की संभावना है। उसके बाद फॉर्म बाद में भरे जाएंगे नवंबर में, लेकिन उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको मिलेगी 1400 पोस्ट की। NHM CHO की बात करें, NHM की स्टाफ नर्स हो चाहे CHO हो, उसमें 7000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। तकरीबन ज़्यादा होगी, लेकिन हमको जो परफेक्ट आंकड़ा है वो 7000 का मिल चुका है। इसके अलावा भी वैकेंसी छोटी मोटी आती रहेगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे UP हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी की वैकेंसी आपको जो है NHM CHO के थ्रू या फिर NHM के थ्रू जो है स्टाफ नर्स के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो अक्टूबर 2022 में आने वाली बड़ी भर्तियाँ एक बार फिर से देख लीजिएगा, ESIC स्टाफ नर्स वैकेंसी 2800 प्लस पद, एम्स स्टाफ नर्स जो एम्स नॉर्सेट के थ्रू लगेंगे 3200 और पोस्टें निकलेगी, DSSSB की 1400 पद और NHM के थ्रू स्टाफ नर्स और CHO की 7000 से भी ज़्यादा पोस्टें। कुल मिलाकर जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी बहुत बड़ी रहने वाली है। तकरीबन 14400 से भी ज़्यादा पोस्टें हैं, ये बड़ी बड़ी वैकेंसी की मैंने बात करी है। इसके अलावा तकरीबन 20000 के आसपास सारे पोस्टें निकलेगी इस अगले मंथ में, और सभी की एक एक की खबर आपको हमारे चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे वैकेंसी अब यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करें ताकि वो भी तैयारी में जुट जाए, प्रिपरेशन में लगे रहें आप। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए अगले मंथ में आने वाली है। ऐसे ही हम नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। और जो है पिछली बार हमने सितंबर 2022 की वैकेंसीज के बारे में बताया था कि हमने बताया था कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी, CHO की वैकेंसी, CHO आप सभी को बता, तेलंगाना हो चाहे अलग डिस्ट्रिक्ट की हो, आसाम में आई है, इसके अलावा मिजोरम में, इसके अलावा जो है लक्षद्वीप में बहुत अलग अलग वैकेंसी आई। इसके अलावा बात करी थी हमने रेलवे की, तो रेलवे में 822 पोस्ट जो है निकली थी। इसके अलावा और भी हमने जो भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई, वो सितंबर वैकेंसी आई है, सितंबर माह में हमने बताया, और सारी चीज़ों के वीडियो भी आपकी सारी वैकेंसी की इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट आपको यदि मिलना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल नोटिफिकेशन जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके ऊपर ऑल लिखा रहा है उस पर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे ही कोई वैकेंसी का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अपने आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। ये किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ नहीं है, फैक्ट के साथ हमने बात की है और ये वैकेंसी जरूर आएगी, इसी मंथ आने की संभावना है। थैंक यू सो मच।